हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है और हमको स्टेप बाय स्टेप ध्यान रख के उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे आंसर करना है। तो क्वेश्चन है क्या हमारा, ए एलिमेंट ए बर्न विद द गोल्डन फ्लेम इन एयर। एक एलिमेंट ए है, जब उसको बर्न करते हैं तो कौन सा फ्लेम देता है, गोल्डन। तो वो कौन सा एलिमेंट होगा, सोडियम। याद रखिएगा, सोडियम को बर्न करने पर उसका फ्लेम कैसा होता है, गोल्डन। तो यहाँ पे क्या लिखना है, ए क्या है, ए इज सोडियम। ओके, इट रिएक्ट विद अनदर एलिमेंट बी। जब ए बी से रिएक्ट करता है तो क्या हो गया तुम्हारा, ए जो है जब बी से रिएक्ट करता है, लेकिन बी हमारा अनदर एलिमेंट कौन है, एटॉमिक नंबर 17। ठीक है, 17 का एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट कौन सा था, हमारा क्लोरीन। ठीक, तो बी हमारा क्या, सोडियम। ए हमको पता चल गया सोडियम है और बी हमको पता चल गया क्लोरीन है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट देता है, सी। तो कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है, जो हमारा सी है वो है हमारा सोडियम क्लोराइड। अब इसको बैलेंस कर दो, वन सोडियम बैलेंस, दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन है, यहाँ पे ऐसे बैलेंस कर देंगे तो ये रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक, फिर इसमें पूछ रहा है ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट हो गया, सी। ओके, फिर पूछ रहा है कि सी और इलेक्ट्रोलिसिस, जब हम सी का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, देखिए कंपाउंड डी, तो न्यू कौन सा कंपाउंड बनता है, डी। तो चलिए देखते हैं, हमारी सी है NaCl, जो एक्वस है, इसका जब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में जब हम पास करते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारा न्यू प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। ओके, तो ये दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों हमारा गैस है और हमारा कंपाउंड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारा कौन सा कंपाउंड है, डी। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, एंड लिबरेटेड हाइड्रोजन गैस, यही बात है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रही है। तो आइडेंटिफाई ए बी सी डी विथ रिएक्शन, तो रिएक्शन हमने करी क्या, ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है, और पूछ रहा है आइडेंटिफाई ए बी सी डी। तो ए क्या था हमारा, सोडियम, बी क्या था, क्लोरीन। ये दोनों जो रिएक्ट करके नेक्स्ट जो प्रोडक्ट दे रहे थे, जो हमारा सी था वो क्या था, सोडियम क्लोराइड। बट जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो बी कौन सा कंपाउंड बना था हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया हमारा सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।